हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने एप्पल डिवाइस में आई क्लाउड कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप अपने एप्पल डिवाइस में आई क्लाउड कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपके पास आई क्लाउड अकाउंट होना चाहिए। तो उसके लिए आप वेब इंटरफेस पे जाके अपना आई क्लाउड अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की है और आपको उसका डेमो देने जा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने ब्राउज़र ओपन कर दिया है। उसमें सिर्फ आपको iCloud.com वेबसाइट ओपन करनी है। ये एक एप्पल की वेबसाइट है जो स्पेशली आई क्लाउड सर्विस के लिए बनाई गई है। तो यहाँ से आप अपने एप्पल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आई क्लाउड में लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल आईडी नहीं है तो आप यहाँ से ये जो लिंक है यहाँ से आप एप्पल आईडी इंस्टेंटली क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना एप्पल आईडी ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप देखेंगे कि एप्पल की बहुत सारी सर्विस है जो आप आई क्लाउड का जो वेब इंटरफेस है उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आई क्लाउड आप अपने आईफोन, आईपैड या तो फिर मैकबुक और विंडोज़ कंप्यूटर है तो भी उसमें कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैंने अपने डिवाइस के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने अपना आईफोन अपने मैकबुक के साथ कनेक्ट कर दिया है और उसकी स्क्रीन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। तो जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एप्पल ने एक यूनिफाइड इंटरफेस दे दिया है जिसके थ्रू आप अपना एप्पल आईडी, आई क्लाउड और आईट्यून्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो यूनिफाइड इंटरफेस है उसमें टैप करना है। अगर आपने अपना एप्पल आईडी कॉन्फ़िगर कर दिया है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर एप्पल आईडी कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो आपको उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई क्लाउड, आई ट्यून्स और सेटअप फैमिली शेयरिंग, ये तीन ऑप्शन है। तो आप आई क्लाउड में जाएंगे तो जो भी आई क्लाउड के रिलेटेड फीचर्स है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आई क्लाउड जनरली फ्री है अप टू 5 GB लिमिट के लिए, यानी आप 5 GB तक डेटा आई क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है तो आपको अपना आई क्लाउड का प्लान अपग्रेड करवाना होगा। और उसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेटिंग है एप्स यूजिंग आई क्लाउड। तो यहाँ से आपको जो भी एप्लीकेशन आई क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज करनी है आपको उसे ऑन करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, रिमाइंडर, नोट्स, सफारी, होम, वॉलेट वगैरह ऑन कर दिया है। तो मेरे आईफोन में जब भी मैं नोट्स में कोई एप्लीकेशन में डेटा अपडेट करूँगा तो तुरंत ही वो आई क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी और उसके डेटा आई क्लाउड में स्टोर हो जाएंगे। तो अगर मेरे पास दूसरे कोई भी डिवाइस है जो आई क्लाउड के साथ कनेक्टेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई मैक, तो आई मैक के अंदर अगर मैं नोट एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो मेरे आईफोन में मैंने जो अपडेट किया है वो उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। यानी आपको जो भी एप्लीकेशन के डेटा आई क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज करना है उसे ऑन रखना है। और अपने आईफोन और आईपैड दोनों में सिमिलर इंटरफेस है, दोनों में आपको आई क्लाउड कन्फिगर करना है। तो आप दो डिवाइस के बीच में जैसे फोटोज़ भी अगर आपने ऑन रखा है और साथ में नोट्स वगैरह जो एप्लीकेशन जो डेटा है वो उसे सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप आई क्लाउड अकाउंट अपने आई मैक या फिर मैकबुक में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। जैसे ही सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करेंगे ये जो आई क्लाउड का आइकॉन है आपको उसे टैप करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपना एप्पल आईडी यहाँ पर कन्फिगर कर दिया है। जी हाँ, आई क्लाउड के लिए आपको अपना एप्पल आईडी ही यूज़ करना है। तो आप जैसे ही अपना एप्पल आईडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ से आपको सेटिंग करना है कि आई क्लाउड के अंदर आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन को सिंक्रोनाइज़ करना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रियल में जो भी एप्लीकेशन की ज़रूरत हो दो डिवाइस के बीच में डेटा सिंक्रोनाइज़ करने की, उसी एप्लीकेशन को आप ऑन कीजिए। सभी एप्लीकेशन को ऑन मत कर दीजिए। जैसे अभी मुझे ज़रूरत है नोट्स एप्लीकेशन, सफारी ब्राउज़र और जितनी है मैंने उतनी ही आई क्लाउड में अनेबल की है, और फ्यूचर में आप कभी भी उसे अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सेटिंग था डेस्कटॉप के लिए। आई क्लाउड सेटअप अपने विंडोज़ कंप्यूटर में कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको जाना है
एप्पल की जो सपोर्ट वेबसाइट है उसमें मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। विंडोज़ के लिए एक सेटअप है, वो आपको डाउनलोड करना है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके विंडोज़ में वर्ज़न जो है वो विंडोज़ 10 होना चाहिए, क्योंकि आई क्लाउड फॉर विंडोज़ जो है वो विंडोज़ वर्ज़न 10 और अप सपोर्ट करता है। सेटअप डाउनलोड करने के बाद अपने विंडोज़ में उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका जो भी आई क्लाउड अकाउंट का जो आईडी है, यानी एप्पल आईडी, क्योंकि जनरली एप्पल आईडी ही यूज़ होता है आई क्लाउड लॉगिन के लिए, वो आपको लॉगिन कर देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इंटरफेस है वैसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप अपने इस विंडोज़ कंप्यूटर में आई क्लाउड का सेटअप कर देते हैं तो आप अपने आईफोन आईपैड के अंदर जो भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कलेक्शन है अगर उसे आई क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं तो विंडो कंप्यूटर में भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे विंडोज़ के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि उसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन सपोर्टेड है। आई क्लाउड के बारे में मैंने दूसरा वीडियो भी बनाया है, उसमें आप बेसिक जानकारी ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी ये वीडियो के टॉप में और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।